जीवन आयुर्वेदा देख रहे हैं आप, मेरा नाम है मेघा, स्वागत है आप सभी का, नमस्कार। इमली एक ऐसी चीज़ है जिसका नाम सुनते ही ज़्यादातर लोगों के मुंह में पानी आ जाता है। भारत में कई टेस्ट रेसिपीज और स्ट्रीट फूड में इसे मिलाने से फ्लेवर पूरी तरह से चटपटा और अतरंगी हो जाता है, लेकिन इमली का हद से ज़्यादा सेवन नुकसानदायक हो सकता है। लेकिन इसे अगर सीमित मात्रा में खाया जाए तो ये स्वास्थ्य के लाभ भी दे सकता है। दोस्तों, शायद आप ये बात नहीं जानते होंगे, अगर एक लिमिट में इमली खाई जाए तो ये दिल की सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इमली के अंदर पोटेशियम के साथ साथ मैग्नीशियम होता है, जो कि स्वस्थ रक्तचाप संख्या बनाए रखने में मदद करता है, यानी जो एक हेल्दी ब्लड प्रेशर का फ्लो होता है उसे बनाने में बहुत ही हेल्प करती है इमली। इसमें फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, साथ ही इसके अंदर पॉलीफेनॉल्स भी होते हैं, जो कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कंट्रोल करने में बहुत मदद करते हैं, जिससे हार्ट अटैक काफ़ी हद तक कम होता है। आंतों की सेहत में सुधार भी करती है। बहुत सारे न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इमली एक टॉनिक के रूप में काम करती है। ये आपकी आंतों को और पाचन क्रिया को ठीक से काम करने के लिए प्रेरित करती है। आसान शब्दों में कहा जाए तो इमली खाने से आपकी इंटेस्टाइन की कंडीशन भी अच्छी होगी, क्योंकि ये एक तरह से क्लिंजिंग एजेंट के रूप में काम करती है। साथ ही ये आपकी आंतों को एंटीसेप्टिक भी बना देती है। इससे गैस, अपच और कब्ज जैसी समस्याएं दूर हो जाती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ा देती है। वही इमली में कई ऐसे गुण होते हैं जो प्रतिरक्षा प्रणाली के कामकाज को बढ़ा देते हैं। विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट, फ्लेवोनॉइड्स, कैरोटीन जैसे बहुत सारे पोषक तत्व इसके अंदर होते हैं और ये इम्यूनिटी के लिए बहुत ही अच्छे हैं। इससे बदलते मौसम में जैसे सर्दी में खांसी, जुकाम, बुखार और फ्लू का खतरा घट जाता है। इमली के अंदर एंटी फंगल गुण भी पाए जाते हैं। इमली में टैमारिंडिनल होता है, ये एक तरह का कंपाउंड होता है जो अपने एंटी फंगल गुणों के लिए मशहूर है। यही वजह है कि काफ़ी सारे हेल्थ एक्सपर्ट्स इमली खाने की सलाह देते हैं, लेकिन हम आपको यही सलाह देंगे कि किसी भी चीज़ की अति नुकसान का कारण बन सकती है। आप इमली खाएँ, लेकिन एक सीमित मात्रा में खाएँ।